मुजफ्फरपुर में रविवार की सुबह नशा मुक्ति के लिए दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने नशा के विरोध में अपनी एकजुटता दिखाई। यह मैराथन 10 किलोमीटर तक आयोजित की गई। इस दौड़ का आयोजन कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, मद निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्त बिहार दौड़ का आयोजन किया गया था। मैराथन दौड़ के सफल आयोजन के लिए इसमें कई तकनीकी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। साथ ही दो श्रेणियों में इस दौड़ का आयोजन किया गया था। पहली श्रेणी में 16 वर्ष से कम के बालक और बालिका दोनों आयु वर्गों के बच्चे 5 किलोमीटर तक और दूसरे श्रेणी में 16 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला और पुरुष 10 किलोमीटर तक दौड़े। किलोमीटर था अंडर 16 था, जिसका 16 वर्ष तक है वो 5 किलोमीटर में, और बाकी सबके लिए 10 किलोमीटर और एक अधिकारी और कर्मी का भी एक वर्ग था। तो हम लोग का दौड़ लगभग पूरा हो गया है और 2 घंटा इसी के लिए हम लोग ट्रैफिक भी 2 से 2.5 घंटा जो हम लोग का रूट था उस रूट पर ट्रैफिक को भी हम लोग रुक के किए थे। सब जगह ट्रैफिक हम लोग का चालू हो गया है और जो भी चेक पॉइंट था मिनिमम 6 जगह चेक पॉइंट था कि जो भी धावक हमारे दौड़े हैं तो 6 चेक पॉइंट से हम लोग क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद 1-3 सब कैटेगरी में महिला पुरुष हुआ, माने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दोनों में 4 कैटेगरी और इसके अलावा जो पदाधिकारी और कर्मी हैं उनका भी है। तो 1-3 को सबको हम लोग प्रशस्ति और ट्रैक सूट देंगे और 1-10 बाकी हैं सबको भी सरकार स्वरूप राशि दी जाएगी। तो कुछ लोग 26 नवंबर को जो कर्मी हैं उनको हम लोग जिला पदाधिकारी।